हमारी आवाज में कुछ कंपन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस क्रियाकलाप को हम मंच पर देखने जा रहे हैं इसका उस जीवन से कोई संबंध नहीं है जो ईश्वर के द्वारा पूर्ण रूपेण प्रदान किया जाता है। इसी कारण जब मैंने इन बच्चों के रिहर्सल को कल देखा था, श्री एस सी वर्मा साहब हमारे बीच में हैं, हम उनकी उपस्थिति के बारे में आपको सूचित कर रहे हैं। हमारे शहर के आरटीओ महोदय श्री गंगाफल जी हमारे मध्य में हैं और वाइस प्रेसिडेंट हिंडालको श्री आरपी शर्मा साहब अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा चुके हैं। इसी के साथ साथ श्रीमती सुनीता एरन रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, साथ ही साथ सहारा, जी टीवी और नगर के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रकार बंधु हमारे मध्य में हैं। हम उन सब की उपस्थिति के बारे में आपको सूचित करते हैं और इसी निवेदन के साथ श्री अमिताभ मेहरोत्रा साहब जो इस संस्था के सचिव हैं, अपना शीश ईश्वर को एवं अपने गुरु श्री श्री परमहंस योगानंद जी को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण लोक मंडल आयुक्त लखनऊ श्री आर के मित्तल साहब, लोकायुक्त श्री एस सी वर्मा साहब, हिंडालको के वाइस प्रेसिडेंट श्री आर पी शर्मा साहब, आरटीओ श्री गंगाफल साहब और हिंदुस्तान के रेजिडेंट एडिटर श्रीमती सुनीता एरन जी तथा उपस्थित हमारे अन्य विशिष्ट गेस्ट, माता पिता, भाई बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे, जी चैनल, सहारा समय चैनल और हमारे अन्य पत्रकार गण, सबका मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम इस चीज़ को दिखाएगा कि भले शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। इसका श्रेय हमारे दो ट्रेनर्स जो श्री पीयूष चंद पांडे जी दर्पण से और सीनियर रेडियो आर्टिस्ट श्रीमती रीना टंडन जी को जाता है। साथ में हमारी ज्योति किरण की सपोर्ट टीम, स्टाफ, टीचर्स सब ने इसमें एक महीने करीब मेहनत करी है जो आज हम सब मिल के देखेंगे। और मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम को पूरा देख के जाइए, क्योंकि आप देखेंगे बच्चों का उत्साहवर्धन होगा, बच्चों में एक भावना जागृत होगी कि हम किसी से कम नहीं और हम होंगे कामयाब। ये बहुत आवश्यक है और आपसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी कहीं बच्चे थोड़ा सा भी इच्छा करें, तालियों से पूरी उनका मनोबल को बढ़ाएं कि ये देखने को आपको मिलेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हमारी मैथोलॉजी में है कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो दीप प्रज्वलन से ही शुरू होता है। तो अब मैं अपने जो गेस्ट हैं उनमें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंडल आयुक्त लखनऊ श्री आर के मित्तल साहब को। लोग इस प्रकार से अंधेरे को प्रकाशमान करने के लिए हमारे उपस्थित आमंत्रित दीप प्रज्वलित करके गंगा लाइट छोड़ हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, इस संस्था को और आप सभी को एक रोशनी की है ताकि आने वाला जीवन सदैव यूं ही जगमगाता रहे। एक ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में यदि कहा जाए
कि संसार का परम मूर्त जो है वो भी रामायण के विषय में
आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। हम यही कहेंगे वीर तुम्हें, हम यही कहेंगे वीर तुम्हें। मेरे विषय में जानकी को अवगत कराना। राम प्रभु राम राम प्रभु राम। जब हनुमंत लाल जी ने राम शब्द का उच्चारण सुना तो वो स्वयं वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस द्वार पर पहुंचे जहां विभीषण जी उपस्थित थे। उन्होंने विभीषण जी को प्रणाम किया। विभीषण जी उनके सम्मुख आके खड़े हुए, उन्हें प्रणाम करने के उपरांत बोले, हे विप्र, आप कौन हैं और यहाँ मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? आप स्वयं भगवान शाता।
Oh.
Bye.
अपनी बात बता बन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बदला बन रे, मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं, तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीति थी जिनपे सूप न था, हारे जिनसे खर दूषण है, फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे वैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी, हो गया विवश फल खाने को। अक्षय वद का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है, है यही उचित, शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। सभा के सचवीरों, वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाऊं पूछ मैं वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाऊं पूछ मैं वानर की, जब चली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। पर्दा बंद कर दिया जाए, चल कहो क्या दशा है, ¡Gracias!
आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें। श्री अमिताभ मेहरोत्रा जी करने विश्वास किया है और हमसे कहीं से हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे निकले जिन्होंने हम तो सोचते रह गए उन्होंने करके दिखा दिया। मेरे ख्याल से ये मेरा विश्वास है कि आप सबने आज की रामलीला को एक सबसे अलग सबसे अनूठा सबसे अच्छा पाया होगा क्योंकि थोड़ी बहुत शारीरिक अक्षमता होते हुए भी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को किया जिसके लिए मेरा हार्दिक रूप से उनको स्नेह और उनको आशीर्वाद। इस कार्यक्रम को करने के लिए सर्वप्रथम मेरे जो यहाँ पे जो इसमें लखनऊ मंडल आयुक्त श्री आर के मित्तल साहब, लोकायुक्त श्री एस सी वर्मा साहब, आरटीओ श्री गंगाफल साहब, हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर सुनीता एरन जी, हिंडालको के वाइस प्रेसिडेंट श्री